तो प्रधानमंत्री किसको देख रहे हो? ऑब्वियसली क्वेश्चन वही है जो सबको पता है, मोदी। मोदी जी, ठीक है। तो आपको 10 सालों में क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का? सभी काम अच्छे हैं, खराब तो भी तो कुछ लगा नहीं। इस बार प्रधानमंत्री कौन आ रहा है? मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं। हम आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी आ रहे हैं। तो भाई इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? ऑब्वियसली मोदी जी। मोदी जी को देख रहे हैं। हर चीज अच्छी है, हर चीज में डेवलपमेंट हो रही है, हाईवेज देख लो। तो भैया इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हो? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देख राहुल गांधी को देख रहे हो। राहुल गांधी के सब काम अच्छे हैं, कांग्रेस ने अच्छे काम किए हमारे साथ। अच्छा, इससे पहले आप इस बार प्राइम मिनिस्टर किसको देख रही हैं? उनसे कांग्रेस। कांग्रेस को देख रही हैं। आपको लगता है राहुल गांधी जी या इंडिया अलायंस में जीतेंगे? तो भाई इस बार आप प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? देखिए हमारे मुताबिक तो राहुल गांधी जी सर मरना चाहिए। मैम आप बता दी अपनी चॉइस, कौन आने चाहिए प्राइम मिनिस्टर? डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, आई कांट से एनीथिंग। अभी तो हो गया, मतलब वोटिंग चली रही है, दो फेज खत्म हो गया, तो आपको क्या लगता है कौन बनेंगे? सर आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, इट्स ऑल अपॉन हिम। मैम इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस चीज में। तो भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी। ओके ठीक है, आपके राहुल गांधी बनने चाहिए। आपकी क्या पर्सनल चॉइस है? कोई भी बने, हमारे लिए भी सही करना चाहिए। इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हो देश का? हमें जो हमारा भला करे। कौन लगता है भला करेगा, मोदी जी, राहुल गांधी या खड़गे जी? राहुल गांधी। राहुल गांधी, आपको क्या लगता है भाई? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर। आपका गुड नेम? मेरा तरुण। तरुण, क्या करते हैं आप? मैं कुछ बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन हो। तो भैया इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हो? ऑब्वियसली क्वेश्चन वही है जो सबको पता है। आपका क्या आंसर है? सेम। क्या मतलब सेम? मोदी। मोदी जी, ठीक है। तो आपको 10 सालों में क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का? सभी काम अच्छे हैं, खराब तो भी तो कुछ लगा नहीं। ओके, कोई ये काम जो आपको लगा हाईलाइट कर सकते हैं कि आपको बहुत पसंद आया उस वजह से आप वोट करेंगे? अच्छा नहीं, खराब तो जम्मू के हिसाब से है कि जो इनके आगे वर्कर्स हैं वो काम करने वाले नहीं है। हाँ, लो लेवल पे। हाँ, वो इनको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे काफी बंदों के वोट्स नहीं हुए क्योंकि इन्होंने नाम ही नहीं है उनके वोटिंग लिस्ट में, मतलब हमारी फैमिली के खुद के 3 बंदे उनके वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं है, तो ये चीज इनको सुधारनी पड़ेगी। ओके, तो आप राहुल गांधी को नहीं देखते? नहीं, सॉरी। ठीक है, मोदी को करते हैं। चलिए ठीक है, आपका शुभ नाम? मयंक त्रिपाठी। मयंक, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वेरी नाइस। तो इस बार प्रधानमंत्री कौन आ रहा है? मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? न्यूज और बाकी जो हमारे यहाँ लखनऊ में उनका काम और वोटर सपोर्ट और आईटी सेक्टर में भी उन्होंने बहुत कुछ किया। आपको लगता है आईटी सेक्टर में किया है? तो डिजिटल इंडिया के बारे में आपका क्या कहना है? किसका? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया तो अब तो मतलब मतलब सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है और बहुत सारे पेमेंट एप्लीकेशन जहाँ पे स्टार्ट नहीं होने थे वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया। अभी रिसेंटली फ़ोन पे स्टार्ट हुआ है दुबई में, और इवन आईटी सेक्टर में भी उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को पास अवे किया है, और एआई जिस पे मैं काम करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पे भी उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है। तो जो जॉब्स ह्यूमन करते थे, मतलब जो जॉब्स हम लोग करते थे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशंस हो रहे हैं सारे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आपको लगता है 10 सालों में काम बढ़िया हुआ है? पिछले दस सालों में काम बढ़िया हुआ है। एज़ पर माई नॉलेज जितना उन्होंने किया है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया है, जो चीज़ एक्चुअल में होनी थी वो उन्होंने किया है, और तो मुझे लगता है इन फ्यूचर उनका रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो आपको लगता है उनके टक्कर में कोई नहीं है इस बार? राहुल गांधी, खड़गे जी, कोई जीत नहीं पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता? तो आपको लगता है काम बढ़िया क्या बीजेपी में? हाँ, उनका काम तो जैसे आप कह रहे हैं, अगर किसी सेक्टर में अभी ड्रॉबैक्स चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को ले लो, रेलवेज ले लो, भेल ले लो, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन एरिया ले लो, या फिर अदर सेक्टर्स ले लो जहाँ पे ड्रॉबैक्स चल रहे हैं, तो उसमें भी मतलब मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। और मुझे अब तक के जो लगा है कि जहाँ पे उन्होंने काम किया है तो वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत थी, उस चीज़ के का बदलाव ज़रूरी था, वहाँ पे उन्होंने पहले हाथ डाला है ना। तो उन सब पॉइंट्स को देख करके मुझे लगता है कि तो आपको लगता है फिर जो काम उन्होंने इस बार किए हैं सारे, 400 पर हो पाएगी बीजेपी? 400 आई होप सो, जानी चाहिए। हाँ, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो मैम आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन आ रहा है? सेम। आप नाम ले लीजिए। नरेंद्र मोदी। मोदी जी आ रहे हैं। तो आपको उनका काम कौन सा अच्छा लगा? बीइंग अ वुमन, आपको क्या लगा? मतलब हाँ, उनकी उनके उसमें डेवलपमेंट हर एक सेक्टर में देखने को मिला है, और इसके पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी
उसके कंपैरिजन में तो मुझे लगता है कि उन्हें आपको लगता है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अभी मैं आज ही श्रीनगर से आया हूँ, कश्मीर में गया था, तो कश्मीर में मैंने देखा कि जो चेंजेस पहले होने चाहिए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे, वो चेंजेस अब मुझे यहाँ देखने को मिले। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल जैसे दूँ, वहाँ पे एक एरिया है काजीकुंडा, तो वहाँ पर पिछले 3 दिनों से लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड ब्लॉक था, 3 दिन से लोग वहाँ पे पास नहीं हो पा रहे थे, आगे बनिहाल और फिर इधर जम्मू की तरफ। तो वहाँ पे ट्वीट्स किए गए, फिर वहाँ पे उन्होंने आज जो है एक स्टेप लिया और वहाँ पे रोड को अनब्लॉक कराया और सब चीज़ें इस तरह से, मतलब कि श्रीनगर की भी बहुत चेंज हो गया वहाँ पे। तो आपको लगता है टूरिज्म में भी काम हुआ है? टूरिज्म में, हाँ टूरिज्म में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मुझे देखने को, मैं आज ही आया श्रीनगर से, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें में बदलाव आ चुका है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? रवि। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। भाई इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? ऑब्वियसली मोदी जी को देख रहे हैं। क्या काम आपको मोदी जी का अच्छा लगा है? हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है। हाईवेज देख लो, पहले क्या था, अब बेशक कंस्ट्रक्शन में है लेकिन जो रोडवेज बन रही है दिल्ली टू जम्मू अगर 6 आवर्स में पहुंच जाएंगे, अभी तो आप 12 घंटे में नहीं पहुंचते। तो आप तो बिजनेसमैन है, पर बिजनेसमैन लोग तो बड़े कंप्लेंट कर रहे हैं बीजेपी से कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, GST ले आई है सब। GST अगर सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, अगर तुम रोड्स उनकी कंज्यूम कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो कुछ तो दोगे। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने काम अच्छा किया है 10 सालों में? बीजेपी ने सेंट्रल वाइज अच्छा किया है लेकिन स्टेट वाइज नहीं, हम कुछ कह सकते नहीं कह सकते। ठीक है, तो आपको लगता है इस बार राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है? वो तो कोई चांस नहीं, अगले 10 साल कोई चांस नहीं, राहुल गांधी का तो चांस नहीं है कोई। जो इंडिया लाइन्स में खड़गे जी खड़े हैं सामने मोदी जी के लिए, लगता है कोई अगर यूथ लीडर खड़ा होएगा, अभी भी नहीं, अभी 5-10 साल तो लहर रहेगी, उसके बाद अगर होएगा तभी चांस है। मोदी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो अभी तो कोई चांस नहीं। जितने पॉजिटिव मोदी जी के लिए हैं, आपको लगता है 400 पार होएगा? डेफिनेटली होएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर हुसैन। क्या करते हो भैया? मैं एक्स आर्मी से हूँ। वेरी नाइस। तो भैया इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हो? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देख रहे हो। तो भैया क्या बोलते हैं, क्या काम अच्छा लगा राहुल गांधी का? राहुल गांधी के सब काम अच्छे हैं, कांग्रेस ने अच्छे काम किए हमारे साथ। अच्छा, इससे पहले कोई काम उनका आपको जो बहुत पसंद आया हो? उनका क्या हर काम पसंद है हमें, क्या नहीं पसंद उनका? अच्छा, कोई काम एक हाईलाइट कर सकते हो? मुझे अभी नहीं नजर में आ रहा। अच्छा, तो आपको लगता है मोदी जी नहीं बनेंगे इस बार? नहीं, मोदी जी भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकते हैं, सरकार किसी की भी आ सकती है, कोई बड़ी बात है और क्या इसमें। तो आपको लगता है राहुल गांधी बनने चाहिए? हाँ इंशाल्लाह, हमें लगता है ऐसा ही है। आपका गुड नेम? सोनिया मौर्य। ओके मैम, आप क्या करती हैं? सर मैं जॉब करती हूँ पिज़्ज़ा हट में। भाई आप इस बार प्राइम मिनिस्टर किसको देख रही हैं? सर कांग्रेस को देख रही हैं। आपको लगता है राहुल गांधी जी या इंडिया अलायंस में जीतेंगे? ये सर ठीक है। क्या काम आपको एक राहुल गांधी जी का अच्छा लगता है? हाँ जी बिल्कुल अच्छा लगता है। कोई एक काम जो आपको पसंद आया हो? सर क्योंकि वो एक साथ सबके साथ चलते हैं, मिलजुल के अच्छे से बात करते हैं, उनका बात करने के वो अलग तरीका है। अलग तरीका है, yes, ठीक है। तो इस बार मोदी जी नहीं, आपको लगता है वो नहीं बनेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आपका गुड नेम? सर बिलाल नाम है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ सर। पढ़ते हैं आप। मैम आपका नाम? फिजा। मैम क्या करती हैं आप? स्टडी करते हैं। तो भाई इस बार आप प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर अब इसके बारे में हम कुछ ओपनली कह नहीं सकते। नहीं ओपनली नहीं कह सकते, पर आपको काम किसका अच्छा लगता है? इस बार मोदी जी आएंगे या इस बार इंडिया लाइंस के खड़गे जी आएंगे या राहुल गांधी? आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए? देखिए हमारे मुताबिक तो राहुल गांधी जी सर बनना चाहिए। ओके, बाकी अब आपकी और कोई अलग चॉइस होगी मुझे नहीं पता। आप अपनी चॉइस बताइए। चॉइस तो मैंने आपको बता दी, राहुल गांधी आने चाहिए। आपको कोई काम उनका अच्छा लगता हो या कोई वादा? बहुत सारे काम मुझे अच्छे लगते हैं। मैम आप बता दी अपनी चॉइस, कौन आने चाहिए प्राइम मिनिस्टर? डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, आई कांट से एनीथिंग। अभी तो हो गया, मतलब वोटिंग चली रही है, 2 फेज खत्म हो गया, तो आपको क्या लगता है कौन बनेंगे? सर आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, इट्स ऑल अपॉन हिम। आपका गुड नेम? रिहाना। मैम क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूं। आप स्टडी करते हैं। तो मैम इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? आई डोंट नो एनीथिंग। आपको क्या लगता है किसने काम अच्छा किया, बीजेपी आएगी या इंडिया अलायंस आएगी? अब अल्लाह ही जाने, वो चीज़ मुझे तो इतना पता नहीं है, बट हाँ और दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस चीज़ में। ओके, पर जो 10 साल काम किया मोदी जी ने उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, काम ठीक किया देश के लिए? कहीं कहीं ठीक भी है, कहीं कहीं नहीं भी है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। थैंक यू भाई। आपका शुभ नाम? राजेश सिंह। आपका? आसिफ अली। आपका? अर्शद भट्ट। भाई क्या करते हो? स्टडी करते। स्टूडेंट हो? और आप? मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, वेरी गुड। और आप? मेडिकल शॉप है, वेरी नाइस। तो आप यहीं से हो? हाँ। ओके, तो भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी। मोदी बन रहे हैं जी। अच्छा, आपको क्या काम एक अच्छा लगा बीजेपी का जो आप कह रहे हैं मोदी बनेंगे? हमें ये अच्छा लगा कि हमारे जो बहुत सी अच्छी चीजें की हैं बीच में। कोई भी एक काम अच्छा, राहुल गांधी नहीं बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। ओके ठीक है, आप क्या? राहुल गांधी बनने चाहिए क्योंकि वो हमारे मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं।
क्योंकि हर मतलब हर एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, सब चीज़ बोल रहे हैं कि फ्री करेंगे हम। आर्मी का बोल रहे हैं 4 साल पहले, 4 ईयर के थे ना, बोल रहे हैं आपके हम परमानेंट करेंगे 4 साल। मैं अग्निवीर में पहले भर्ती हुआ, सिलेक्ट था मैं। अच्छा, आप अग्निवीर में सिलेक्ट हुए थे? सिलेक्ट था बट अब नहीं हूँ क्योंकि रह गया था रिटर्न समय। उसके बाद 4 साल में कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा बस। अच्छा, तो आपको लगता है राहुल गांधी जो है वो आर्मी के लिए अच्छा काम करेंगे? ठीक है, और क्या काम पसंद है आपको राहुल गांधी का, क्यों आने चाहिए? क्योंकि वो सबको देखते हैं एक बराबर, मोदी भी देखता है, लेकिन हमारे मुझे मेरा ड्रीम था आर्मी का बट वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद भी मतलब 4 साल में कौन जाएगा, कोई नहीं बस। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है इस बार कड़ी टक्कर होगी मोदी बीजेपी के बीच में कांग्रेस? ये तो सच बात है। चलिए ठीक है, आपकी क्या पर्सनल चॉइस है? कोई भी बने हमारे लिए कुछ सही करना चाहिए, इतने अनएम्प्लॉयड लड़के घूम रहे हैं हमारे लिए कुछ एम्प्लॉय। तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, आप क्या काम चाहते हैं? कुछ भी हो, कोई भी जॉब खुलनी चाहिए, कोई भी फैक्ट्री किसी में काम मिलना चाहिए हमें। इतने बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ काम मिले, रोजगार मिले कुछ ना कुछ। आपकी जैसे मेडिकल शॉप है तो आपको काम में कोई फर्क पड़ा है? नहीं, ठीक ही है हमारा काम है, काम में कुछ फर्क नहीं है, ठीक है हमारा काम। तो आप क्या चाहते हैं, कौन आना चाहिए, आपकी पर्सनल चॉइस क्या है? राहुल गांधी आने चाहिए। आप कहते हैं राहुल गांधी आने चाहिए, तो आपको क्या काम उनका अच्छा लगता है, या कोई वादा जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किया जो आपको अच्छा लगता हो? नहीं, उनके सभी वादे ठीक हैं, अभी तो कर रहे हैं, अभी बाद में पता चलेगा बन के फिर क्या करना है क्या कुछ। अच्छा, तो आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं? क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान, नाइस। आपका क्या नाम है? जाहिर। जाहिर, नाइस। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, ठीक है भाई। क्या करते हो? मैं पढ़ते हैं। पढ़ते हो आप? आप? हम भी पढ़ते हैं। अच्छा, आप भी सारे स्टूडेंट्स हो, नाइस। क्या कर रहे हो? हम यूनिवर्सिटीज के लिए कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो भाई मेरा सवाल ये है कि इस बार प्रधानमंत्री किसको देख रहे हो देश का, मोदी जी, राहुल गांधी या खड़गे जी? आपको क्या लगता है? मेरा छोड़िए ना, इंटरव्यू आपका चल रहा है। कुछ कह नहीं सकते, राहुल गांधी। राहुल गांधी, आपको क्या लगता है भाई? राहुल गांधी। तो आप एक काम बता दीजिए, राहुल गांधी का आपको बहुत पसंद हो, या कोई वादा आपको लगता है वो करेंगे जो बीजेपी ने नहीं किया? उन्होंने जो कहा है ना कि उनके मैनिफेस्टो में है कि स्टेट का दर्जा वापस देंगे, जेएनके को स्टेट का दर्जा वापस देंगे। अच्छा, और भी जो जॉब्स के लिए उन्होंने कहा है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। अच्छा जी, तो जो अभी 370 हटा था जेएनके से, तो आपको लगता नहीं इसको कोई फायदा हुआ? फायदा होता तो हम किस लिए बोलते हैं राहुल गांधी का? बन सकते हैं मोदी जी, पर आप राहुल गांधी को पसंद करते हैं? ऐसे ही करते हैं, दिल उनके साथ है। दिल उनके साथ है, पर दिमाग क्या बोलता है? मोदी जी, मोदी।